चोट लगा आँख में, असर हुआ दिमाग में, पागल हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं आई हॉस्पिटल, क्योंकि आँख अब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। और ऐसी प्रॉब्लम करते रहा तो सामने जैसे कि लीग मैच भी आ गया है जमशेदपुर का, तो ऐसी प्रॉब्लम करते रहा आँख तो फिर शायद सारा मैच बैठना पड़े। तो अभी भैया भी तैयार हो रहे हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग। जाओ जाओ बाबू, जाओ जा जा तो। तो गाइस अभी निकल तो गए हैं, मतलब आंख में क्या हो रहा है ना, हल्का हल्का ब्लर दिख रहा है, बाकी सब कुछ पेन उन तो चल गया है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। गाइज हम लोग पहुंच गए हैं ESG हाई हॉस्पिटल, अब चलते हैं अंदर। तो गाइज यहाँ बहुत, अभी तो फिलहाल बहुत भीड़ है, ये कटा लिए हैं, पर्ची ले लिए हैं, बट बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा भी। ये हमारे बीच कौन मौजूद है, काना ब्लॉगर? बहुत रोना आ रहा है यार, सारा चेकअप हो गया है, सब करा लिया है, बट अभी आधे घंटा ऐसे ही रुकना है, कुछ आई ड्रॉप दिया है। आंटी आपको कुछ मतलब दर्द वर्द दे रहा है, कभी जल रहा है? जल रहा है आपके, कुछ करा लिया है ना दवा का, अच्छा आपका जल रहा है ना? मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है। सब ठीक है, चोट लगा आँख में, असर हुआ दिमाग में, पागल हो गया। तो गाइस आई हॉस्पिटल में तो इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि मत पूछिए। हम तो गए थे, लगा हमको कि आराम से 4-5 घंटा लगे है, बट 3 घंटा लगा। तो कोई नहीं, अभी एक दो चेकअप और है जो कि परसों आने बोला है, तो परसों करेगा बाकी चेकअप। तो अभी कुछ ड्रॉप दिया था जिसके कारण पूरा आँख पूरा ब्लर दिख रहा है, अभी सामने का मतलब कुछ भी, जैसे अभी मोबाइल देख रहे हैं मोबाइल भी ब्लर दिख रहा है, बट दूर का ठीक ठाक दिख रहा है। तो गाइस लेट तो बहुत हो गया, लगभग 3 घंटा। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे घर, भूख भी लगा बहुत तेज। तो गाइस घर तो आ गए हैं। क्या दादा बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए जेलर साहब। जेलर साहब, देखिए काका गए थे डॉक्टर पास, होते पर ब्लड করে আছে কথা। হ্যাঁ, যদি এতদিন খেতেছ না ব্লাডটাকে তো পুরো করে ঠিক করে দিচ্ছি স্যার। কিন্তু রেডনেসটা একটু হেটে গেছে এবার। রেডনেস তো এটা একটা ड्रॉप दी तो ना, होते पूरा डेटा चले। तो गाइस अब चलते हैं घर, देखते हैं खाना पीने का क्या व्यवस्था किया जाए। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी हम आ गए हैं फिर से चाचा के घर। हर शाम में आ जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में, क्योंकि काम होते रहता है, काली माँ का मूर्ति बनता है और विजय भी रहता है इधर, तो और भी भैया लोग आते हैं बनाते हैं, तो अभी वो लोग आएंगे धीरे धीरे यहाँ। तो तब तक हम लोग ये सब मूर्ति देखते हैं जो अभी तैयार होने वाला है। तो गाइज ये वाला है चूना गोदाम वाला मूर्ति, बाईडी चूना गोदाम, देखिए कितना बड़ा है, देख रहे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसको देना है, एक हफ्ता में देना है इसको भी। तो और अभी तो कुछ भी नहीं, ये देखिए और कितना सारा है अभी, देखिए विजय लगा ही हुआ है अपना काम में। तो अभी बाकी बाकी भैया लोग भी आएंगे, यहाँ और मूर्ति है देख रहे हैं, बाप रे बाप, ये सारा मूर्ति कंप्लीट करना है एक हफ्ता के अंदर भाई, ओनली 7 डेज। तो गाइस देख रहे हो पीछे कितना सही बैकग्राउंड म्यूजिक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, इसी के चलते हम आते हैं रोज यहाँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे लगता है मेरे को। और चाची जी भी यहाँ देखिए सामने आरती दिखा रहे हैं, हाय हाय हाय। तो अभी हम शंख बजाने वाले हैं,
हाल हो गया गाइस। ये रहा चाची जी का मंदिर। चाचा जी हर रोज यहाँ अच्छा पूजा करते हैं, रोज सुबह सुबह शाम। कितना अच्छा सजाया हुआ है, देखिए। तो गाइस अभी तो हम यहीं रहने वाले हैं थोड़ा देर तक, क्योंकि जब तक भैया लोग नहीं आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।